स्वागत और इसमें अपना योगदान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए जोहार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, आराम करता हूँ। गला भी थोड़ा बैठा हूँ। मैं मंच पर अपनी बातें रख रहा हूँ। आज ये संघर्ष यात्रा हजार किलोमीटर का सफर तय करके आपके इस मोहल्ले से गुजर रहा है और इस संघर्ष यात्रा पर भी बहुत दूर जा रहा है और हजारों किलोमीटर के लगभग हम लोगों का कई क्षेत्र अभी बड़ा लंबा है, लोगों तक संदेश पहुंचाना है, इसीलिए कम शब्दों में अधिक चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर हम लोगों ने ये संघर्ष यात्रा निकाला है तो क्यों निकाला। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि संघर्ष यात्रा आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने क्यों निकाला। आदरणीय दिशा गुरु शिव सोरेन जी ने ये आदेश दिया है कि जिस तरीके से हम लोगों ने लंबी संघर्ष के बाद ये राज लिया और इस लंबे संघर्ष में अनगिनत साथियों को खोया, अनगिनत लोगों की शहादत हुई, अनगिनत लोग मारे गए, अनगिनत महिलाएं विधवा हो गई, अनगिनत नौजवान कुंवर हो गया, तब जाकर के ये राज मिला। राज तो मिले हम लोगों को 18 साल हो गए, लेकिन 18 साल बीतने के बाद भी जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ इस राज के लिए लड़ा गया था, वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे, आज भी आप इस राज के मूलवासी आदिवासियों को जब आप देखेंगे तो आज भी उनके चेहरे पे वही उदासी, वही खामोशी, वही दर्द आपको दिखेगा जो अलग राज से पहले था। आखिर क्या हो गया? अलग राज के बाद हमारा हक अधिकार यहां के मूलवासी आदिवासियों को क्यों नहीं मिला? क्यों हमारे किसानों के खेतों में पानी नहीं आया? क्यों हमारे लिए अच्छी स्कूल व्यवस्था हुई? क्यों हमारा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवा हमारे लिए बढ़िया नहीं हुई? क्यों हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा? क्यों हमारे गरीब गुरुवार लोगों को, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा? हमारे गरीबों को अनाज क्यों नहीं मिल रहा? हमारे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिल रहा? आज भी कई सवाल।